हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे के बाद जब वापस इमाम हसन कुफ्र पहुँचे, देखा एक ज़ईफ जो देख भी नहीं सकता वो रो रहा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस बुज़ुर्ग के करीब गए और पूछा, ऐह बंदा खुदा क्यों परेशान हो? उसने रो के कहा, ऐह अजनबी, 3 दिन हो गए मेरा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया। वो रोज़ रात को मेरे लिए खाना लेके आता था, आज तीसरा दिन है वो नहीं आया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसका नाम क्या था? उस बुज़ुर्ग ने रो के कहा कि मैंने बहुत मर्तबा पूछा लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारी ही तरह अल्लाह का बंदा हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये शख्स बताओ वो बात कैसे करता था? उस ज़हीफ़ ने कहा, पूरी दुनिया मेरे गरीब होने का मजाक उड़ाती है, यहाँ तक कि मेरी औलाद ने भी मुझे घर से निकाल दिया। वो इतनी प्यार से मुझसे बात करता था जैसे वो मेरा अपना हो और मेरे बारे में सब कुछ जानता था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोने लगे और रो रो के फरमाने लगे, ए शख्स बताओ उसके कपड़े कैसे थे? उस ज़ईफ़ ने कहा, मैं देख तो नहीं सकता लेकिन मैंने एक मर्तबा अपने दोस्त के कपड़ों पे हाथ लगा तो वो मेरे कपड़ों से भी ज़्यादा पुराने और जगह जगह से सिए हुए थे। एक दफ़ा मैंने उसकी नालैन पे हाथ लगाए तो वो जगह जगह से फटी हुई थी। उस ज़ईफ़ की ये बात सुन के इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोने लगे और उस ज़ईफ़ को अपने सीने से लगाकर फरमाने लगे, ए शख्स, वो मेरे बाबा और वक्त के खलीफा अली इब्न अबी तालिब थे जिसको 3 दिन पहले मस्जिद कुफा में ज़र्बत लगी और आज मैं उनका जनाजा तुतफीन घर के यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने ही जलाए थे, बुझा देता मैं अक्सर है।